नमस्कार साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ क्विज मास्टर बाय एग्जाम फोर पर। उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। क्या हाल है आप सभी के, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ आप सभी कैसे हो। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट की। आज आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, आज वो मैं सब यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट से एक बार सभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सभी कैसे हो, फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और चलेंगे सीधा हम पॉइंट की तरफ। एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ में भी फटाफट से शेयर करके आ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो दो लाइनों से स्टार्ट करेंगे कि अगर कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना, अगर कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना, बेशक पांव फिसला जाए पर कभी जुबान ना फिसलने देना। एक बार अगर कह दिया कि सर करके रहेंगे, मम्मी पापा करके रहेंगे, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे तो रहेंगे, फिर चाहे आपको घसीटना पड़ जाए बुरी तरीके से, चाहे पैरों से फिसलना पड़ जाए, करके रहेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग करा देंगे। वो यूपी जो रह गया है, उत्तर प्रदेश जो रह गया है, उत्तर प्रदेश का पूरा एक दोबारा फिर से मैं एक कराऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरा यूपी कराऊंगा, डोंट वरी। चलो चलते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारत का मैप आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलो तो हाँ, सबसे पहले भारत का मैप आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, ये जो आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश का मैप है और आज इसी के बारे में मैं जो है आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीजें यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम से बनती है। ये मैप में आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आप करोगे, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम अगर आप करोगे तो आंध्र प्रदेश किधर जाएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, किधर जाएगा। तो ये एक तो जाएगा दक्षिण में, एक जाएगा पूर्व की। तो दक्षिण पूर्व में है, कहां पर है, दक्षिण पूर्वी राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कैसा राज्य है, दक्षिण पूर्वी राज्य है। दूसरी बात यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो बना हुआ है, ये जो तट रेखा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको तट रेखा कहते हैं। समुद्र के किनारे वाला जो बॉर्डर है या समुद्र के किनारे वाली जो ये रेखा आप देख पा रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको तट रेखा कहा जाता है, इसको तट रेखा कहते हैं। मतलब जो वो हिस्सा जो समुद्र के साथ में भारत का कोई भी राज्य शेयर करता है उसको तट रेखा कहा जाता है, कोस्ट लाइन कहा जाता है, तटीय रेखा कहा जाता है। सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस राज्य के साथ में शेयर होती है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात के साथ में साझा होती है, गुजरात सबसे लंबी तट रेखा बनाता है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश बनाता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश बनाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधा आंध्र प्रदेश की मैप की तरफ, तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी, अब आंध्र प्रदेश का अगर आप मैप देखोगे तो ये बन रही है तटरेखा। इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है तटरेखा। और यहां से केवल यही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तटरेखा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मछलीपट्टनम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये यनम का, ये पुडुचेरी का पार्ट है, ये भाग है पुडुचेरी का यनम, ठीक है। और ये तो आपको याद रखना ही है, इसके अलावा विशाखापट्टनम, यहीं पर ये आपके जो समुद्री किनारा है, समुद्री हिस्सा है, यहाँ पर पोर्ट है और इन पोर्टों में से आपका एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है, ठीक है। हाँ, वो सब कराया जाएगा, जागृति अभी जो करा रहा हूं मैं उस पर ध्यान दो, सब कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी तीन राजधानियां हैं, एक है अमरावती,
अमरावती, ठीक है, दूसरी है आपकी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और तीसरी जो है वो आपकी कुरनूल है। कुरनूल, ठीक है, तो ये तीन इसकी राजधानियां हैं, ये तीनों की तीनों राजधानियां याद रखनी है। इधर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये 2014 में, ये हिस्सा तेलंगाना का हिस्सा है। 2014 में तेलंगाना जो है वो नया अलग राज्य बना था। किससे अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना है, ठीक है। ये किससे अलग होकर बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा। अब बात आती है कि बताओ आंध्र प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? आंध्र प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा कर रहा है? एक बार मैप की तरफ आ जाओ। एक तो सीमा साझा कर रहा है तमिलनाडु के साथ, ठीक है, तमिलनाडु के साथ में सीमा साझा कर रहा है आंध्र प्रदेश। दूसरी सीमा साझा करता है ये कर्नाटक के साथ में, कर्नाटक के साथ में सीमा साझा कर रहा है आंध्र प्रदेश। तीसरी सीमा साझा करता है तेलंगाना के साथ में। चौथी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के साथ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में। ये बॉर्डर स्टेट है सारे के सारे छत्तीसगढ़। और फिर आपका पांचवा उड़ीसा, ठीक है, पांचवा कौन सा है? उड़ीसा। तो टोटल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ आंध्र प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, पांच राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो एक आपका मैंने यहां पर बताया, यहां से स्टार्ट किया तमिलनाडु, दूसरा कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है, दूसरा कौन सा है? कर्नाटक। तीसरा, तीसरा कौन सा है आपका? तेलंगाना। चौथा कौन सा राज्य है? चौथे राज्य की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ चौथा है, ठीक है, छत्तीसगढ़। और पांचवा राज्य कौन सा है? पांचवा है उड़ीसा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पांच राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कुल कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश? पांच राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको तट रेखा कहा जाता है, इसको तट रेखा कहा जाता है, कोस्ट लाइन कहा जाता है। दूसरी सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, दूसरी सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाता है। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। देखो देखो, एक तो बात है कि ये दक्षिण पूर्वी जो राज्य है, पहली बात ये कौन सा राज्य है? दक्षिण पूर्वी राज्य है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बाकी इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से, जिसके साथ में जो सीमा लगती है वो आपका यहां लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। अगला देखो, यहां पर अगर हम बात करें क्षेत्र के कवर करने वाला सातवां राज्य है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सेवेंथ रैंक है, और वहीं अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें तो ये दसवां रैंक है। मतलब जब हम रैंक की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा, सातवां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से दसवां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 974 किलोमीटर की कोस्ट लाइन शेयर करता है और गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, फिर उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश बनाता है 974 किलोमीटर की। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर किसको कहा जाता है? भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोल्लूर खदान है, कोल्लूर खदान के स्रोत हैं। और ये इसके अलावा आपको यहां से याद रखना है, इसकी हीरे की भूमि है, तो इसलिए यहां पर इसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं, तो भारत का कोहिनूर जो है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, प्लस छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को भी कहा जाता है और
छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, चल अब देखो यहां से एक और लाइनें हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ तेलुगु भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है दुनिया में, और ग्यारहवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा दुनिया में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, दुनिया में कितनी? ग्यारहवीं, और भारत में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। क्लियर है? सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे भारत में बंगाली बोली जाती है, तीसरे नंबर पे भारत में मराठी बोली जाती है, और चौथे नंबर पे भारत में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। चल यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलेंगे। अब देखेंगे ध्यान से, देखो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ एशिया के अंडे का कटोरा किसको कहा जाता है? एशिया के अंडे का कटोरा किसको कहा जाता है? एशिया के अंडे का कटोरा, एशिया के अंडे का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ इसका निर्माण कब हुआ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ, देखो मैं राजधानियां बता चुका हूं, एक बताइए विशाखापट्टनम, एक बताइए कुर्नूल, और एक बताइए मैंने अमरावती, ये तीन राजधानियां हैं इसकी। ठीक है, अब देखो निर्माण की बात करेगा, जब इसका निर्माण कब हुआ तो 1 अक्टूबर 1953 में इसका निर्माण हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में इसका निर्माण हुआ। गठन की बात की जाए, राज्य का दर्जा जो है इसको कब दिया गया था, तो राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 में दिया गया, 1 नवंबर 1956 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ये आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर यहाँ के राज्यपाल अगर आपसे पूछे जाए कि बताओ यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जिले कितने हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 जिले है। आंध्र प्रदेश में जिले कितने हैं? 13 जिले हैं। अब आपसे और भी पॉइंट देखो, लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी की अगर बात करते हैं, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अभी 5 राज्यों में आपके चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, वो भी एक क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए स्पेशल। लेकिन लेकिन उन 5 राज्यों के अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो यहां से अगर चुनाव होंगे, अगर इलेक्शन होंगे, तो यहां से सीटें इंपॉर्टेंट बनती हैं, जिसमें आपकी विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, और लोकसभा की सीटें, और लोकसभा की सीटें। ठीक है, तो विधानसभा की टोटल यहां पर कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 175 हैं। अगर यहां पर लोकसभा की सीटों की बात करेगा तो लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 राज्यसभा की सीटें हैं। ये आप याद रखिएगा। भाषा कौन सी बोली जाती है यहां पर? यहां पर भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा मैं आपको बता चुका हूं, तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा यहाँ पर बोली जाती है। आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में भाषा कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। क्लियर है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मैंने आपको बताया अगर रैंक की बात करेगा, अगर हम इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? 7वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 10वां सबसे बड़ा राज्य है। यह भी आप याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर सभी को क्लियर, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाओ यार, सभी सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाओ। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, ये देखो मैं दोबारा फिर से लिख दूं, अब केवल राजधानियां लिखूंगा और वो राजधानियां आपको याद रखनी है।
पहली विशाखापट्टनम, ठीक है, दूसरी अमरावती और तीसरी कुरनूल, ठीक है, ये राजधानियां। अब ये तो राजधानियां हो गई, इनमें भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे गुंटूर हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसी में आप चले जाओ तो मैंने आपको बताया ये यहां पर मछलीपट्टनम है, ठीक है, यहां पर आपका श्रीकुलम है, ठीक है, ये आपके लिए, और यहीं पे आपके बहुत सारी काकीनाडा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसी जगह ये इसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आगे आपको कराऊंगा, चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखो, विशाखापट्टनम इसकी राजधानी है, कार्यकारी, अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव है, विधायी है, और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर है, बाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और बाई एस आर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। अगला है आपसे, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पर जो है नृत्य कौन कौन से हैं, तो जो कुचिपुड़ी नृत्य का मतलब है, दो तरीके के नृत्य होते हैं, एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फॉक डांस। तो जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसके लिए स्पेशल आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशल आपको आपको जो है ना आना चाहिए, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा तो आप शास्त्रीय नृत्य कर पाएंगे, अन्यथा की दशा में फॉक डांस लोक नृत्य तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके ये चल रहा है, ये भांगड़ा कुछ भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी। अभी आपको बोला जाए कि गिद्दा डांस करो या फिर भांगड़ा करो, तो भांगड़ा तो ऐसे ऐसे शुरू मुझे नहीं आता करना, लेकिन अगर ऐसे ऐसे करोगे, हाँ ये हो गया भांगड़ा, ये लो ये हो गया, ऐसे ऐसे हाथ करने और ऐसे ऐसे नीचे से उछलना, ये भांगड़ा हो गया। तो इसमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप तो शादी में जाते हो ढोल बजवाया, मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है ना, ये आप कहते हो मुझसे अच्छा तो भांगड़ा, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो लोक नृत्य है, कहां का, पंजाब का, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए आपको, स्पेशल ट्रेनिंग। एक बार सभी ऐसे ऐसे कर लो भांगड़ा, है ना, तो आपकी जो है ना अंदर से जो नींद भरी होगी ना वो सब गायब हो जाएगी। चलो अब कुचिपुड़ी की बात करें, तो कुचिपुड़ी देखो आपका ध्यान से समझना मेरी बात को, ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कौन सा नृत्य है बेटा, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 7 राज्यों के। आंध्र प्रदेश का कौन सा है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिय असम, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं 7 राज्यों के। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली, दोनों ये याद रखना, ठीक है, चल हाँ क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब जो यहाँ पे भामा कल्पम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, भामा कल्पम, दप्पू, लंबाड़ी और ढिमसा। ढिमसा लोक नृत्य आपसे पूछा गया कि बताओ ढिमसा लोक नृत्य कहाँ का है, ढिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भामाकल्पम लोक नृत्य कहाँ का है, भामाकल्पम लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाए दप्पू लोक नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि शास्त्रीय नृत्य, देखो मैंने वही हाईलाइट किए हैं, तो और भी कि वीर नाट्यम भी है, तप्पेटा भी है, गुल्लू है, विशाखिनी नाट्यम है, कोल्टम है, बुट्टा है, बोमलू है, लेकिन मैंने बताया केवल 3, इसका मतलब गुरु जी यही 3 आएंगे एग्जाम में और नहीं आएंगे। गुरु कितने आएंगे, गुरु इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। क्लियर है, क्लियर है तो लिखो एक बार गुरु क्लियर है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो क्लियर है गुरु, चलो, या फिर यस गुरु यस गुरु यस गुरु करके लिख देना। अगला देखो, अब यहां पर हम करेंगे नेशनल पार्क की बात। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान,
कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये है आंध्र प्रदेश का मैप, ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के मैप में यहां पर है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है, ठीक है। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क है। राजीव ने वेंकटेश्वर को आंध्रा में पापी पार्क दिखाया, ये ट्रिक है इसकी याद करने की। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर है? राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, 2005 में इसकी स्थापना की गई। दूसरा है आपका श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, क्लियर। और तीसरा है आपका पपिकोंडा नेशनल पार्क, 2008 में इसकी स्थापना की गई, क्लियर, ये आप याद रखिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब आता है। तो आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। अब हम देख लेते हैं यहां पर नदियां इंपॉर्टेंट कौन कौन सी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नदियां इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, उनको देख लेते हैं और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। एक बार फटाफट से सभी लोग आ जाओ, आगे लिखो नदियां, कौन सी नदियां हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगी। हम उन नदियों की बात करेंगे जो नदियां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगी। लिखो फटाफट से, गोदावरी नदी अगर आपसे पूछी जाए कहां बहती है, गोदावरी नदी कहां है, तो आंसर क्या करोगे आप? आंध्र प्रदेश। कौन सी? गोदावरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, इसको ऐसे ऐसे नीचे लिखूंगा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ठीक है, कृष्णा और पेन्ना। कौन सी? कृष्णा नदी और पेन्ना नदी, ठीक है। तो वैसे तो नदियां बहुत सारी हैं, वैसे तो नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये चार नदियां आपको याद रखनी है यहां से। वैसे तो नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन आपको केवल ये चार नदियां यहां से याद रखनी है। अगला हम देखेंगे, यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो है झीलें। झीले में मैं वही चीजें आपको लिखा रहा हूं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं या पूछी गई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो बहुत कुछ है याद करने को, आप याद करते करते थक जाओगे, आप याद करते करते थक जाओगे। हर्ष प्रताप जी, ठीक है, ओके हर्ष प्रताप जी, पढ़ लो अब, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, एक तो झील की बात करूं तो कोलेरू झील है, पहली झील है आपकी कोलेरू झील, और दूसरी झील आप यहां से याद रखेंगे पुलिकेत। पुलिकेत कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पुलिकेत झील कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये झीलें आपको याद रखनी है। रिवर्स हो गई, नदियां हो गई, नदियां मैंने आपको करा दी और उसके बाद में हमने यहां पर झीलें कर ली। अब बारी आएगी तो रामसार स्थलों की। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए रामसार स्थल, अब अगर आपसे पूछा जाए रामसार, रामसार स्थल कमेंट सेक्शन में बताओ कितने हैं, रामसार स्थल कमेंट सेक्शन में बताओ वर्तमान में रामसार स्थल कितने हैं, फटाफट से एक एक, अगर आप लाइव देख रहे हो तो आप ऐसे बताओगे, अदरवाइज आप ऑफलाइन में कमेंट करके वीडियो यहीं पॉज करके बताओगे कि कितने रामसार स्थल हैं वर्तमान में, कितने रामसार स्थल। देखो अब अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 49 है, 49 है, रिसेंट में अभी पहले 47 हुआ करते थे, लेकिन अभी गुजरात और उत्तर प्रदेश से जोड़े गए हैं, खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य और बखीरा पक्षी अभयारण्य, ये दो जो हैं आपके जोड़े गए हैं किसमें, रामसार स्थलों में, उत्तर प्रदेश और गुजरात से, ठीक है। तो यहां पर आपका कोलेरू झील है रामसार स्थल में, नाम आएगा किसका, कोलेरू झील, ठीक है। 2002 में इसको रामसार स्थल घोषित किया गया था। रामसार स्थल कौन से होते हैं? रामसार स्थल होते हैं नमी वाले क्षेत्र। ईरान, इराक में एक जगह है, ईरान में एक जगह है और वहां पर मीटिंग हुई थी और उसमें रामसार स्थलों को बचाने के लिए बात की गई थी। रामसार स्थलों को बचाने का मतलब यह है कि वहां पर बात की गई थी कि जो भी
जो भी नमी वाले क्षेत्र हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका जो है उनको उनका कंजर्वेशन किया जाएगा, ताकि जो नमी वाले क्षेत्र खत्म होते चले जा रहे हैं उनका बचा उनको बचाया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। क्लियर है? 2 फरवरी 1971 को रामसार एक जगह है ईरान में, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एक कॉन्वेंशन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत सही। तो आद्र भूमि यानी कि जो नमी वाले क्षेत्र हैं उनको बचाने की बात की गई थी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर टाइगर रिजर्व कौन सा है, टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर और श्री सैलम बांध भी है, तो ये भी आपको मैं कराऊंगा अभी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, तो ये तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहां से स्टेडियम कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 स्टेडियम है, एक YS राजा रेड्डी स्टेडियम, दूसरा YS राजशेखर रेड्डी एवियस VDCA स्टेडियम, ये एक विशाखापट्टनम में एक कडप्पा में, लेकिन आपके लिए ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप हालांकि याद जरूर कर लीजिएगा कि आप बाद में ये ना कहें कि सर ने कराया नहीं। आगे चलेंगे और आगे अभी हम देखेंगे कि आपके लिए और भी यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। एक बार यहाँ पर एयरपोर्ट यानी कि हवाई अड्डे की हम बात कर लेते हैं, तो हवाई अड्डा कौन सा महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, यहाँ पर विशाखापट्टनम हवाई अड्डा है, तो ये आप याद रखिएगा, ज्यादा यहां से इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो अब आगे चलो बेटा और आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपके बंदरगाह है, जो पोर्ट है, तो बंदरगाहों और पोर्ट की बात करें तो ध्यान से आप मैप की तरफ ही नजरें गड़ाए रखना, बाकी सब चीजें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आ जाओ मैप की तरफ, मैं बंदरगाह आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, दूसरा काकीनाडा बंदरगाह है जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं, तीसरा मछलीपट्टनम बंदरगाह है, चौथा कृष्णपट्टनम है और पांचवा गंगावरम है। तो ये 5 के 5 बंदरगाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5वां बंदरगाह। तो एक तो विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम ये रहा, दूसरा गंगावरम है, गंगावरम ये रहा, तीसरा काकीनाडा है, ठीक है, चौथा जो है यहां पर मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम है, और पांचवा जो है कृष्णपट्टनम है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे जाए कि बताओ मछलीपट्टनम बंदरगाह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, पूछा जाए विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई, विशाखापट्टनम को पूर्व का गोवा भी कहा जाता है। ये जो विशाखापट्टनम है, ये जो विशाखापट्टनम है इसको पूर्व का गोवा कहा जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ पूर्व का गोवा किसको कहा जाता है, ठीक है, हाँ क्लियर है आप सभी को, यहां तक सारी चीजें। आगे देखो, अब बात कर लेते हैं हम बांध की, अब हम बात कर लेते हैं नदियों की। नदियां मैं आपको बता चुका हूं, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, फिर आपकी पेन्ना, वेदवती, चंपावती, पालक, तो ये नदियां यहां पर हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये नदियां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बांध की बात करेंगे, बांध में आ जाता है सोमाशिला बांध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोमाशिला बांध इंपॉर्टेंट है, श्री सैलम बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है, और नागार्जुन सागर बांध, ये 3 बांध है जो कि आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ये पेन्नार नदी पर है, ये पेन्नार नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, ये गोदावरी नदी पर है, तो गोदावरी नदी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना, अपने नोट्स बना लेना, गोदावरी नदी पर है और फिर आपका कृष्णा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? चल हाँ जी, यहां तक बांध पूछा जाए, सोमाशिला बांध किस नदी पर है, पेन्नार नदी पर है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। श्री सैलम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ होगा, अब हम बात करेंगे झीलों की, और रामसर स्थल में आपको बता ही चुका हूं, तो देखेंगे अगर ध्यान से आप देखोगे तो पुलिकेत झील, पुलिकेत झील मैं बता चुका हूं, कोलेरू झील, ये दोनों की दोनों झीलें मैंने आपको लिखा दी हैं।
एक पुलकेत झील भी लिखा दी है, कोलेरू झील भी लिखाई है, रामसार स्थलों में मैंने कोलेरू झील को भी लिखाया है, और यह भी बताया कि ईरान में जो है रामसार एक जगह का नाम है, कहां पर ईरान में वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें डिसीजन लिया था जो आर्द्र भूमि है, जो नमी वाले क्षेत्र हैं, उनको हम बचाने का काम करेंगे, उनको उनका संरक्षण का काम करेंगे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 49 रामसार स्थल है, 49 रामसार स्थल है, ठीक है, 49 रामसार साइट्स है। ये बात हो गई क्लियर? अच्छा, ये चीज है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप रेगुलर मेरी क्लास 6 PM भी होती है, वो क्लास आप करते हो या नहीं करते हो? कौन कौन 6 बजे नहीं आता, सही से बताना, मार लगाओ ना नहीं तो। चल तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया, एक बार लिख दो यस सर यस सर यस सर। आगे चलते हैं, और आगे अभी बेटा हम बात करेंगे जो अभी हमारी बहुत सारे पॉइंट्स रह गए हैं उनकी। नागार्जुन और श्रीशैलम अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं बार बार ये बात बोलते चला जा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो बांधों की हम बात कर चुके, सोमाशिला बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये मैं बांध आपको करवा चुका हूं। अब आ जाते हैं कि शहरों के उपनाम, मतलब कुछ शहर ऐसे हैं जिनको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, शहरों के उपनाम, शहरों के उपनाम अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है, पहला मैं शहर का नाम लिखूंगा, राजमुंद्री शहर, ठीक है, राजमुंद्री, ये जो शहर है इसको क्या कहा जाता है, राजमुंद्री एक शहर है आंध्र प्रदेश में, इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, इसको क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा तिरुपति एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में, इसको क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, इसको क्या कहा जाता है बच्चे, इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी। पूर्व का गोवा किसको कहा जाता है, पूर्व का गोवा किसको कहा जाता है, बताओ फटाफट से, सॉरी, पूर्व का गोवा किसको कहा जाता है, पूर्व का गोवा आंध्र प्रदेश को कहा जाता, विशाखापट्टनम को कहा जाता है। आगे चलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाग्य का शहर किसको कहते हैं, इसको पूर्व का गोवा भी कहा जाता है और इसी को भाग्य का शहर भी कहा जाता है, विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर भी कहा जाता है, और गुंटूर को क्या कहा जाता है, गुंटूर को, तो जब गुंटूर की बात करेगा तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मिर्च का शहर कहा जाता है, मिर्च का शहर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक सारी चीजें, बताओ फटाफट से क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है, एक बार लिख दो यस सर क्लियर है,
एक बार फटाफट से सभी लोग लिख दो कि यस सर यहां तक सारी चीजें क्लियर है। प्रणाम सौर्य एजुकेशन। चलो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लिखते हैं यहां पर कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से त्योहार जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। त्योहारों से जनरली प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बताओ उगादी त्योहार कहां मनाया जाता है, बताओ फ्लेमिंगो त्योहार कहां मनाया जाता है। तो ये कहां मनाए जाते हैं, ये आंध्र प्रदेश में। मिर्च का से हाय हाय मिर्ची सुधर जाओ, चलो त्योहारों की बात करें तो उगादी त्योहार मनाया जाता है। उगादी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ उगादी त्योहार कहां मनाया जाता है, तो उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा, उगादी त्योहार। इसके बाद में कौन सा मनाया जाता है, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, कहां पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो त्योहार। और फिर आ जाता है आपका तिरुपति महोत्सव। तिरुपति महोत्सव ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहां मनाया जाता है, ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। नहीं होगा तो तुम्हें मार मार के क्लियर करा दूंगा। इतने अच्छे से इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री में, वो भी यूट्यूब की क्लास में। और ऐसी चीजें कहीं मिल जाए तो बता देना, अगर YouTube पे नहीं मिल रही है। चल अब बात कर लेते हैं, इतना डिटेल में इतना डेप्थ में कभी ना मिलेगा। बात करते हैं मंदिर की। क्या मंदिर भी सर यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं। तो सर कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट बनेगा? मंदिर है भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर और तिरुमाला मंदिर। ठीक है, तो जनाब आपको ये दो याद रखने हैं मंदिर। फिर आ जाते हैं जनाब जीआई टैग में। क्या जनाब जीआई टैग आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बनेंगे? सरकार बिल्कुल बनेंगे। कौन कौन से सर बन सकते हैं जीआई टैग आपके यहां से महत्वपूर्ण? तो एक यहां की मिर्च है, कौन सी मिर्च है, गुंटूर सनम मिर्ची। सनम, हाँ कुछ को तो सनम याद आ गए होंगे। मोटिवेशनल लाइन सुना दो। अच्छा, मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। चलो जीआई टैग की बात करें तो मछलीपट्टनम कलमकारी है। मछलीपट्टनम कलमकारी लिख लो फटाफट से सभी, मछलीपट्टनम कलमकारी। और मैंने क्या बताया था आपको, गुंटूर सनम मिर्च, इसको जीआई टैग दिया गया। सर जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग एक स्पेशल चीज को, उस एरिया का जो सबसे बेस्ट होगा उसको जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उसका एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, उसको इंटरनेशनली उनको इस उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके पास इसके बाद आ जाता है तिरुपति लड्डू भी यहां पर है। कौन से, तिरुपति लड्डू, इसको जीआई टैग। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताओ शाही लीची कहां का, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, शाही लीची जीआई टैग कहां का है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना।
फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 1999 का अधिनियम 2003 में पारित हुआ और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की चाय को जीआई टैग दिया गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की मिर्ची को जीआई टैग दिया गया। अच्छा जी, बहुत शानदार, क्या बात है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो एक बार बताओ, शाही लीची की मैंने बात करी है, शाही लीची कहाँ का है? हाँ, यहां तक क्लियर हुआ? पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। कौन कौन से पक्षी अभयारण्य यहां से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बर्ड सेंचुरी यहां से इंपॉर्टेंट है? एक पुलिकेत पक्षी अभयारण्य है, पुलिकेत झील भी है, पुलिकेत पक्षी अभयारण्य, ठीक है। दूसरा कोलेरू पक्षी अभयारण्य, तीसरा रोला पाड़ू पक्षी अभयारण्य, शाही लीची बिहार, खोला मिर्च झारखंड। गुड, बहुत शानदार, क्लियर। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, होप सारी चीजें क्लियर होंगी। चल, ये क्लियर हुआ, अब आ जाते हैं वन्य जीव अभ्यारण की तरफ। यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण हैं सर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे? तो हम एक बार उन वन्य जीव अभ्यारणों की भी बात कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, एक बार मैप की तरफ थोड़ी सी नजरें गढ़ाएंगे आप सभी। अगर आपसे पूछा जाए कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, देखो ये सब जो है यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, वन्यजीव अभयारण्य जैसे भी है, जो भी है, एक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य 1978 में बनाया गया। इसके बाद में अगर हम गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं, ठीक है, और यहाँ पर कंबाला कोंडा वन्यजीव अभयारण्य है जिसको 2002 में क्या बनाया गया था, वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। और कौडिन्य वन्यजीव अभयारण्य 1990 में बनाया गया। कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य है। नागार्जुन सागर श्री सैलम वन्यजीव अभयारण्य 1978 में। पुलिकेत झील वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। और 1997 में श्री पेनुसुला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य 1985 में। तो ये वन्यजीव अभयारण्य है जिनकी लिस्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर, क्लियर है सभी को? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां पर ये इंग्लिश में सारी चीजें जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहां से कवर करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले यहां से कवर करेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये आप यहां से कवर करेंगे। अब आंध्र प्रदेश के अगर हम सिंबल्स की बात करें तो देखो ध्यान से, इसमें ऑलरेडी आई थिंक मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर भी आप देख लो एक बार। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ का एम्बलम क्या है, यहाँ का जो गीत है वो क्या है, तो माँ तेलुगु थलिकी ये है, और नृत्य यहाँ का क्या है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। इसके अलावा पक्षी यहाँ का तोता है, मछली मडफिश है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बक जो है वो ममल है, जो आपका स्तनपायी जीव है। और वहीं अगर हम फूल की बात करें तो चमेली, ठीक है, बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ का जो राजकीय खेल है कबड्डी है, तो अलग अलग सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। चलिए इसी के साथ में फिर आज के सेशन को मैं एंड करूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 6 बजे।
अब मैं कितने बजे आपसे मिलूंगा, शाम को 6 बजे मैं आप सभी के बीच में लाइव आऊंगा, 6 PM पर लाइव आऊंगा, मेरी क्लास में आना है 6 PM पर, जिसमें मैं आपको GK GS के कॉन्सेप्ट कराता हूं, पूरी क्लास आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और अभी इसके जस्ट बाद में अभी 10 बजे जो है ना 10 PM पर, 10 PM पर किसकी क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, वहां पर सभी बच्चे जाएंगे, सभी बच्चे जाएंगे रीजनिंग की क्लास में। अभी 10 मिनट का ब्रेक है आपके पास और इसके बाद में सीधे रीजनिंग की क्लास में, सीधे रीजनिंग की क्लास में पहुंचोगे इकट्ठे, एक एक बच्चा पहुंचना चाहिए, जो नहीं पहुंचेगा उसकी मार लगाऊंगा मैं, एक एक बच्चा रीजनिंग की क्लास में। और फिर रीजनिंग की क्लास जैसे ही खत्म होगी तुरंत आपको 11 बजे वाली क्लास में जाना है। ये रीजनिंग की क्लास जितिन सर, भाई साहब आग लगा रखी उन्होंने यूट्यूब पर, जितिन सर एक बार जाके तो देखो क्लास, फिर उसके बाद में मैथ की क्लास, मैथ की क्लास में भाई साहब जवाब ही नहीं है, अमित सर का कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बारीकी से सारी चीजें करा देते हैं, सारी चीजें। तो रीजनिंग की मेरी क्लास खत्म हुई, तुरंत कहां जाना है, जतिन सर की क्लास में, फिर कहां जाना है, फिर मैथ की क्लास में जाना है, अमित सर की क्लास में, फिर पॉलिटी की क्लास है, फिर 12 बजे पॉलिटी की क्लास है, पॉलिटी की क्लास है। और ये प्रदीप सर ले रहे हैं, ये प्रदीप सर ले रहे हैं, ये लगातार वाली क्लासेस हैं, ये अभी लगातार वाली क्लासेस हैं, और आपको 6 बजे आना है। 6 बजे कौन कौन आएगा कमेंट सेक्शन में, हाँ ठीक है। कल कौन सा स्टेट कराऊंगा, कल अरुणाचल प्रदेश कराऊंगा आपको, कल अरुणाचल प्रदेश कराऊंगा, जाओ खुश रहो, जी लो अपनी जिंदगी, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, कल क्या कराएंगे, अरुणाचल प्रदेश। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। चलिए आज के सेशन को फिर इसी के साथ में एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आप सभी अपना ध्यान रखिए।